और अब खबर छत्तीसगढ़ से। सदन में प्रश्नकाल के दौरान दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा ने नक्सल प्रभावित और मुक्त जिला का मामला उठाया। देवती कर्मा ने पूछा कि प्रदेश में कितने जिले नक्सल प्रभावित हैं। देवती कर्मा ने कहा कि क्या पॉकेट में भरकर नक्सली को रखा है, जब चाहे तब नक्सली को निकालें और अंदर डाल दें। तो वहीं भूपेश बघेल ने पूछा, मुख्यमंत्री का गृह जिला कबीरधाम भी नक्सल प्रभावित जिले में आ गया है, क्या वजह है? तो वहीं सवालों के जवाब देते हुए गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं, कबीरधाम में कुछ इलाकों में सक्रियता बढ़ी है जिसे हम कम करेंगे। पैकरा ने यह भी कहा कि नक्सली लगातार दबाव में है। मंत्री जी के गोलमोल जवाब से विपक्ष नाराज नजर आई। आज कौन कौन जिला में नक्सली मुक्त हो गया है? जो दो जिला को मुक्त किए, बाकी जिला में क्यों मुक्त नहीं हुआ है? अध्यक्ष जी, ये मैं मंत्री जी से सुनना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सल प्रभावित 14 जिले हैं, उसमें से 4 जो है मुक्त किया। 2013 में हमारे इतने बड़े बड़े नेता लोग शहीद हो गए, उसके बाद आज सरकार बोली है इतना यही दी है कि 2013 से हम मुक्त करेंगे। कितने जिला को मुक्त किए, आज इतने शहीद हो गए, आप देखते जा रही है यहाँ सरकार, आज क्यों मुक्त नहीं हो रहा है? दो जिला मुक्त होगा, बाकी जिला क्या गलत करिए, कब करेंगे ये? आज मेरे माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जिम्मेदार कौन है वो तो हमारे विभाग से थोड़ी व्यवस्था की गई है कि दुर्घटना रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें हमने प्रयास किया है और ये काफी ट्रैफिक का क्षेत्र है, माननीय विधायक जी का क्षेत्र, उस पर अपने विभाग से जितने सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जवाब में दिया है।